आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा खाने की नली की प्रॉब्लम्स का। जैसे कि आप जानते हैं, कई बारी गुस्से में बाय मिस्टेक कुछ लोग एसिड या अल्कलाइन चीज़ें पी लेते हैं, जिससे खाने की नली में जलन हो जाती है। ओवर टाइम इसमें स्ट्रक्चर बन जाता है, या इतनी तंग हो जाती है कि खाना इसमें या तो फंस जाता है या जा ही नहीं पाता। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास बहुत आते हैं, और इनको अगर एप्रोप्रिएटली ट्रीट नहीं किया जाए तो ये बीमारी आगे चलकर काफ़ी भयानक हो सकती है, और कुछ पेशेंट तो फिर बिल्कुल खा ही नहीं पाते। ऐसी सिचुएशन में जहाँ के वो कुछ ऐसा पी लेते हैं, सबसे पहले तो उनको इमीडिएटली इमरजेंसी में लेके आइए। आजकल हम अर्ली एंडोस्कोपी करके वहाँ की कंडीशन देखते हैं और उसको तंग होने से बचाते हैं। क्या दवाई किस टाइम पे देनी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये देखा गया है स्टडीज़ में कि अर्ली स्टीरॉयड्स का रोल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर दो एक दिन निकल जाएं उसके बाद स्टीरॉयड्स इतना हेल्प नहीं करते, क्योंकि इन्फ्लेमेशन सबसाइड होके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग दिस टाइम पेशेंट को चाहिए खाना न्यूट्रिशन जो वो खा नहीं पाता, वो हम नसों के थ्रू पेरिफेरल न्यूट्रिशन या TPN के तरह देते हैं। पेशेंट को कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे कि एसिड ऊपर ना आए और इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर आगे चल के बन जाता है तो इसको बैलून से हम डायलेट कर सकते हैं ताकि रास्ता खुल जाए, या हम इसमें एक स्टेंट डाल देते हैं टेम्परेरीली, जो कि इसको स्ट्रेच रखता है। खाने की नली बंद नहीं होती तो खाना नीचे जा सकता है। ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें कई सिटिंग्स लगती हैं। इसको अवॉइड करने के लिए अर्ली ट्रीटमेंट अगर दें तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कम हो सकती है। अगर पेशेंट हमारे पास उस सिचुएशन में आता है जहाँ के स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है, तो जैसे मैंने कहा, बैलून से उसको डायलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन ना हो तो इसमें एक लंबा मेटेलिक कवर्ड स्टेंट डाल देते हैं, जो कि 3-4 महीने में उसको स्ट्रेच करके खोल देता है और फिर इसको रिमूव कर देते हैं। ये एक भयानक बीमारी है, कई बारी ये चीज़ें आगे चल के कैंसर भी बन सकती हैं, तो इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वक्त होते ही इसका इलाज करना चाहिए ताकि आगे की कॉम्प्लिकेशंस ना हो सके। धन्यवाद।